Now next example again based on array properties. इस केस में जस्ट मैंने array declaration प्रोवाइड किया, लेकिन array का type क्या? Character array means string. String के respect में इसने total two symbols assign किए, percent and d plus a string terminate किससे को? null character से. तो finally इस केस में जब string create होगा तो string के लिए exactly number of bytes कितने allocate होंगे? There are 3 bytes. पर इस स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है, देन नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है? 101102. ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया किसी भी केस में स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में टू इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होंगे, बिगिनिंग एड्रेस और पोजीशन ऑफ द नल कैरेक्टर. स्ट्रिंग प्रोसेस किसके बेस पर? बेस्ड ऑन गिवन एड्रेस. प्लस फर्स्ट केस में इस केस में सन क्या हुआ? परसेंट सिंबल. सेकेंड केस में सन क्या हो रहा? डी. देन स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे हुआ? जस्ट नल. इसे एरे का नेम क्या है? एस पी. इसको काउंट करो, पी जीरो, पी वन, पी टू, डजंट मैटर. नेक्स्ट वन, इसके इसमें नेम्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू. क्लियर. नेक्स्ट स्टेटमेंट में जस्ट प्रोवाइड क्या किया है? पी ऑफ वन इक्वल्स टू सी. तो सी किस प्लेस पर आसान होगा? इंडेक्स वन में. इंडेक्स वन में एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था? डी. नाउ डी इज रिप्लेस्ड बाई सी, स्मॉल सी. क्लियर. नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ में जस्ट पी पास किया, तो पी के प्लेस पर क्या पास होगा प्रिंट एफ में? मीन्स अगर जनरली आप यूज करते हो लाइक दैट परसेंट सी समथिंग 65, तो इस प्लेस पर भी जस्ट पहले क्रिएट किया हुआ स्ट्रिंग इन साइड मेमोरी, देन इस प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ स्ट्रिंग का बेस एड्रेस और एरे का बेस एड्रेस. अब बेस एड्रेस मीन सेम एज, इस केस में परसेंट सी पास न करके पास क्या किया? पी. और पी के प्लेस पर भी रिप्लेस क्या हो जाएगा? इसे एरे पी का बेस एड्रेस विच इज 100. तो 100 के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग के केस में फर्स्ट आर्गुमेंट फिक्स्ड है ऑलवेज, सॉरी प्रिंट एफ के केस में ऑलवेज फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास होता है? स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में 100 कंसीडर होगा एज अ मेमोरी एड्रेस. इस केस में प्रिंट एफ फंक्शन स्ट्रिंग किस प्लेस से रीड करेगा? फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स. कब तक? जब तक स्लैश नहीं मिल जाता. तो सबसे पहले क्या मिला इसको? परसेंट देन सी. तो लॉजिकली इस प्लेस पर कंसीडर क्या हो रहा है? फर्स्ट कैरेक्टर इज परसेंट, नेक्स्ट कैरेक्टर इज सी. तो परसेंट सी क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर. इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू डिस्प्ले क्या हुआ? नेक्स्ट आर्गुमेंट. और नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या पास किया? 65. 65 कंसिडर हो गया एज आर्स की वैल्यू. लेकिन परसेंट सी से क्या डिस्प्ले हुआ? करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ऑफ 65. 65 का इक्विवेलेंट कैरेक्टर क्या? कैपिटल ए. इसलिए डिस्प्ले क्या हो जाएगा? कैपिटल ए. अगर इस प्लेस पर डी होता देन क्या डिस्प्ले होता? 65 इटसेल्फ.